ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस अपनी नई टीम बनाने जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की अब जो नई टीम गठित होगी वो काफी छोटी होगी। प्रदेश कार्यकारिणी में 100 कांग्रेसी होंगे, कांग्रेस की अभी कार्यकारिणी में 1500 ही सदस्य हैं। तो भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस की जो नई टीम है वो काफी छोटी होगी, प्रदेश कार्यकारिणी में 100 कांग्रेसी होंगे, कांग्रेस की अभी कार्यकारिणी में 1500 सदस्य हैं और एक बार फिर यहां पर कांग्रेस अपनी नई टीम गठित करने जा रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की अब जो नई टीम है वो काफी छोटी होगी। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की नई टीम अब गठित की जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस यहां पर कवायद तेज कर दी है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की जो नई टीम अब गठित होगी वो काफी छोटी होगी, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी में यहां पर 100 कांग्रेसी टीम में लिए जाएंगे, उसके साथ ही कांग्रेस की अभी कार्यकारिणी में सिर्फ 1500 ही सदस्य हैं और ऐसे में कांग्रेस की टीम काफी छोटी होगी। तो कितनी महत्वपूर्ण यहां पर होता है वो खैर देखने वाली बात होगी, और ऐसे में 1500 सदस्य ही यहां पर कांग्रेस की फिलहाल टीम में है और ऐसे में 100 कांग्रेसी प्रदेश कार्यकारिणी में होंगे। फोनलाइन पर हमारे साथ संवाददाता कृष्णा द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, कांग्रेस की जो नई टीम अब गठित की जाएगी वो काफी छोटी होगी, तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत कैसे करेगी? देखिए ऋतु, ये उस दौर की बात है जब मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव होने थे, ऐसे में कांग्रेस को अपने ज्यादातर नेताओं को संतुष्ट करना था, उनको रोक कर रखना था और सारे लोगों को पद या किसी भी उससे नवाजना था, ऑब्लाइज करना था। तो उस चक्कर में कांग्रेस ने जो अपने जो नेता है उनको कोई ना कोई पद देकर प्रदेश कार्यकारिणी में या जिला कार्यकारिणी में या बाकी और जगह पे उनको एडजस्ट किया गया। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश से सरकार 15 महीने में सरकार जा चुकी है और अब कांग्रेस 2023 की तैयारी में जुट गई है, तो उसके लिए अब कांग्रेस अपनी टीम को छोटा करने वाली है, जिसमें प्रवक्ता और दूसरे प्रदेश कार्यकारिणी के जो दूसरे सदस्य हैं उनको कम करने की जुगत में है, जिससे कि कांग्रेस में काफी हौज फौज की स्थिति ना हो और सारी चीजें सब कुछ स्मूथली सारी चीजें चलती रहे और कम से कम पता रहे, क्योंकि अभी यह हालात ये हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कि लोगों को ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि कांग्रेस में लगभग कितने प्रवक्ता है। हर जगह कांग्रेस के 2-4 प्रवक्ता हर जिले से निकल जाएंगे ऋतु। लेकिन कांग्रेस की जो अब नई टीम यहाँ पर गठित होने की खबरें और कवायद तेज हो चुकी है, तो ऐसे में क्या कोई उम्र का बंधन होगा या युवाओं को तरजीह दी जाएगी? देखिए ऋतु, क्योंकि दूसरी जो बी टीम जो जिसको कह सकते हैं और दूसरी पीढ़ी के जो युवा हैं उनको उनको जो आगे लाने के लिए एक जो कवायद चल रही है, क्योंकि देर सवेर ना सही, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही एक बुजुर्ग नेता है और ये नेता है, तो देर सवेर ना सही युवाओं को आगे आना ही होगा, तो निश्चित तौर पर युवाओं को मौका दिया जाएगा। उनको अभी वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं हो पाएंगे, 2-4 साल 1-2 साल उनको लगेगा, और ऐसे में जब वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे बुजुर्ग नेताओं के अनुभव के साए में रह के वो सारी चीजें सीख के, और वो तो देर सवेर ही सही युवाओं को आगे आना ही होगा, तो निश्चित तौर पर युवाओं को उसमें मौका मिलेगा। बिल्कुल कृष्णा जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका शुक्रिया। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां भोपाल में अब यहां कांग्रेस के लिए एक खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस अपनी नई टीम गठित करेगी और ये टीम काफी छोटी होगी, ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी में 100 कांग्रेसी यहां पर लाए जाएंगे, ऐसे में कांग्रेस की अभी जो कार्यकारिणी है उसमें 15 सदस्य हैं, और खबर ये भी सामने आ रही है कि जो अब छोटी टीम गठित की जाएगी कांग्रेस की तरफ से उसमें ज्यादातर युवाओं को तरजीह दी जाएगी, तो साफ तौर पर उम्र का बंधन या कांग्रेस की नई टीम में देखा जा सकता है।